आज दोस्तों जा रहे हैं हम ब्रोकली का सब्जी बना के दिखाने। ब्रोकली का रेसिपी बनाने का हम सब तरीका बता रहे हैं, बहुत आसान तरीका है। पहले क्या करेंगे कि ब्रोकली को हम काट लेंगे। पानी गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे। इसको हम करेंगे चार बार प्याज को, इसको हम ढक देते हैं तब तक। अदरक को छोटा छोटा टुकड़ा काट लेंगे, इसको सब मिक्सी में हम पीसेंगे। लहसुन है, लहसुन को भी इसमें छुड़ा लेंगे। टमाटर को भी कर लेंगे टुकड़ा। सब्जी बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। देखिए इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे, हल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का डालेंगे सरसों तेल बस। एक लाल मिर्चा भी डाल देंगे इसमें। गरम हो गया है, इसको हम सबको ऐड कर लेंगे। देखिए खोल के एकदम तैयार है, इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक अपना हम काम करते रहेंगे। इसको हम पीस लेते हैं, थोड़ा सा डालेंगे ज़्यादा बस। अब इसमें हम थोड़ा डाल देंगे, हाँ इसमें डाल देंगे जो पेस्ट बनाए थे। एक चम्मच हल्दी डाल देंगे, दो चम्मच नमक डाल देंगे, डाल दिए। गाजर को ऐड कर दी, जो इसका हम डंठल काटे थे ब्रोकली का, वो भी टाइट है थोड़ा, इसमें डाल देंगे। हल्का इसमें लाल मिर्चा पाउडर डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस। चार मिनट ढक के छोड़ देते हैं पके जो मिल। अब बारी आ गया ब्रोकली डालने का। देखिए ब्रोकली हम डालेंगे बारी बारी से, अच्छा से पका है मसाला। इसको और थोड़ा ब्रोकली को इसके साथ में भूनेंगे।
दो मिनट के लिए ढक देंगे बोलपुरी को। मसाला भी अच्छा से पक गया है, इसमें देखिए पानी डालेंगे नाप कर। इससे नाप का 1.5 गिलास डाल दिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है कलर इसका चेंज। अब हम बनाएंगे हफरी। सब इसके अंदर चना का सत्तू भरा हुआ है, इसको ज़्यादा हम नहीं तेल ऐड कर देंगे, रिफाइंड तेल है, रिफाइंड तेल को ऐड करेंगे। देखिए इस टाइप का बनाएंगे, देखिए ये साथ बिहारी भाषा में कहते हैं भबड़ी, भबड़ी छपरा जिला में बोलते हैं भबड़ी। गोल मतलब तो कहते हैं लिट्टी, इसको बोलते हैं भबड़ी। हम देख लेते तब तक। वाह 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 वाह, क्या सब्जी हुआ है ब्रोकली का। चलिए बंद कर दिए, सब्जी मेरा बन के तैयार। देखिए कितना अच्छा जला जला हुआ लाल हो रहा है, इसको हम जल्दी जल्दी अब करेंगे। इसमें डबल भी हम डाल सकते हैं। देखिए कितना अच्छा बन रहा है। रेसिपी आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लगातार देखते रहिए, अपने फैमिली के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।